जी ग्रेड सिक्स देखिए आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। आपको इस चैप्टर के अंदर फ्रैक्शंस मिलेंगी। फ्रैक्शंस आपको पता है सिंपल, कोई भी डिजिट लिखा हो वो डिजिट है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, उसके नीचे आपने एक और डिजिट लिख दिया, तो ये सूरत है फ्रैक्शन की। आप कह सकते हैं फ्रैक्शन हमें पार्ट्स दिखाती है कि किस चीज़ के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये तीन पार्ट्स थे किसी भी दो चीज़ों के। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इन्हीं पार्ट्स को सॉल्व आउट करना है, सिंप्लीफाई करना है यूजिंग बोडमॉस रूल। बोडमॉस रूल का मतलब आपको अच्छे से पता होगा कि जब भी ये तमाम चीज़ें एक साथ आ जाएं, ब्रैकेट्स भी और एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट ऑर्डर सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप डिमॉस रूल पर आते हैं, यानी पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड पर जाएंगे और फिर लास्ट में आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए आपको सवाल ये मैंने आपने इसको सॉल्व करना है, तो बेटा सॉल्यूशन पर आ जाएं। सॉल्यूशन लिखते ही आपके पास जो चीजें हैं, देखें पहले होल फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को आप सिंपल फॉर्म में ले आए, देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 या 3 2 6, और ऊपर वाले को इसमें हम ऐड करेंगे, तो 3 2 6 1 प्लस करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 7 अपॉन 3, उसी के साथ साइन बीच में डिवाइड का ऐसे रहने देंगे। जब इधर देखेंगे बेटा तो 3 3 9, 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 3, उसके बाद साइन लगाएंगे प्लस का, 3 1 3, जब 2 प्लस करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 3, उसी के साथ इस वाले स्टेप पे बेटा हम लेंगे एलसीएम। तो आप याद रखिएगा जब भी हम दो एक जैसे डिजिट्स का एलसीएम लेते हैं तो आंसर भी वही डिजिट आता है, लेकिन 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमेशा 3 आएगा। और फिर आपको पता है कि आपने 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि ये वाला 3 आ जाए। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, 3 का टेबल इतना पढ़े कि ये वाला 3 आ जाए। 3 1 3, आपने यहाँ 1 लिखना है, साइन लगाना है मल्टीप्लाई का, जो डिजिट ऊपर लिखा है 10 वही डिजिट आपने नीचे लिख देना है, उसके बाद आपने साइन लेना है बेटा प्लस का जो बीच में लिखा हुआ है, उसके बाद देखें 3 का टेबल इतना पढ़े कि ये वाला 3 आ जाए। कब आता है 3 1 3, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जो भी ऊपर लिखा होगा उसको नीचे लिख देंगे। एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा आपने दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम 3 आएगा, आप यहाँ लिख लीजिएगा इसका टेबल इतना पढ़े कि ये आ जाए 3 1 3, आपने 1 लिखा, साइन लगाया मल्टीप्लाई का, और जो डिजिट ऊपर लिखा उसको आपने नीचे प्रेस कर दिया। इसी के साथ दोबारा 3 का टेबल इतना पढ़ेंगे, 3 आ जाए, 3 1 3 है, साइन मल्टीप्लाई का लगाएंगे, जो डिजिट ऊपर लिखा उसको नीचे लिख देंगे। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखें 7 अपॉन 3 वैसे ही रहेगा, डिवाइड वैसे ही रहेगा, जब आप इसको ऐड कर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो देखें कुछ ऐसे रहेगा, 10 1 10 हो जाएगा प्लस 5 1 5 हो जाएगा, और नीचे अपॉन में 3 एज इट इज़ जैसे मौजूद था वैसे ही रह जाएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखें 7 अपॉन 3 बेटा वैसे ही रहेगा, डिवाइड का साइन लगाएंगे, 10 और 5 प्लस करेंगे 15 हो जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा। एक बात का ख्याल रखिएगा बेटा कि जैसे ही ये टर्म सिंगल होगी आपने इसका ब्रैकेट रिमूव कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, 7 अपॉन 3 वैसे ही रहने दे मेरा बेटा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 3 अपॉन 15, क्योंकि याद होगा आपको ग्रेड 5 में भी किया था बेटा, जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे आगे वाली टर्म रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगी, जो नीचे वाली चीज़ होगी वो ऊपर, जो ऊपर वाली होगी उसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, 3 1 3 और 3 1 3। देखें अब 7 और 15 एक टेबल में नहीं आते, तो आप क्या करें 7 1 7 और 15 1 15, ये आपका सिंपल आंसर आ जाएगा।